एटीएन सुपर क्लास गोरखपुर में आप लोगों का स्वागत है। साथियों, 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित सारी बातें आपको बताने वाले हैं। वीडियो अंत तक जरूर देखा करें तथा एक प्रकरण और आपको बता दें कि जो हम बता रहे थे मेरी फाइल नई बनने वाली है, बन करके लगभग रेडी है। ज्यादातर उसमें प्रेयर बदल होते हैं, प्रेयर में ही टाइम लगता है, ग्राउंड बनाने में टाइम लगता है, वही सब जो है रूल है। बाकी सारे लोगों की लिस्ट बन रही है, हम सार्वजनिक भी करते हैं, सारी चीज बताते हैं कि आपको क्या करना है। जो नई फाइल बन रही है उसमें नाम भी ऐड हो रहा है, कोई भी साथी घबराए ना, सबको मिलता है पर्सनल, हम भेजते हैं, ऐसा नहीं है। लगभग ज्यादातर लोगों को पर्सनल मिलती है फाइलें वो, और जिनको भी दिक्कत होती है हम फोन नंबर भी देते हैं। यहाँ से नहीं मिलता है कहीं से भी फोन नंबर ले सकते हैं, बात कर सकते हैं। अब कंटिन्यू हमारा फोन भी चलता रहता है, लेकिन जैसे खाली होंगे हम बात जरूर करते हैं। कभी भी कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिला आपको जिसे हमने हमारा बात ना हुआ हो। लगभग सारे लोगों की अलग अलग समस्याएं हैं। कल एक व्यक्ति भर्ती के बारे में पूछ रहे थे, उनकी भी समस्या को हमने सॉल्व किया। कल एक अन्य केस के बारे में, मैटर के बारे में पूछ रहे थे, सर कैसे कि हमारा खारिज होने वाला था, क्या हम करें कि आपका रुक जाए। हमने उनको भी बता दिया, उनका भी डिसमिस होने से रुक गई थी। अब हम चलते हैं अपने विषय में। उत्तर कुंजी के मैटर में जो इलाहाबाद में सुनवाई थी उसकी हम थोड़ा सा चर्चा कर दें, तो क्योंकि आज पेपर में भी दिया है। तो 69,000 शिक्षक भर्ती की सुनवाई 8 तारीख को इलाहाबाद में थी। देख लीजिए, 8/2 को इलाहाबाद में थी, इलाहाबाद में। आप बहुत सारे साथी घबरा रहे हैं, बार बार फोन कर रहे हैं, फोन करके परेशानी कर रहे हैं कि सर जो है हम लखनऊ में हैं, तो क्या जो है जो नंबर इलाहाबाद में बढ़ेगा तो क्या हम मान लेंगे। तो आपकी ये ध्यान दीजिएगा, लखनऊ वालों की सुनवाई होगी। सुनवाई क्या होगी? होगी, यहाँ सरकार जो है आ करके विरोध करेगी इसका। जैसे यहाँ पे अगर 2 नंबर बढ़ता है, 1 नंबर बढ़ता है, तो सरकार कहेगी कि हम 2 बढ़ा रहे हैं, लेकिन हमारा क्वेश्चन ज्यादा है तो हमारा तो सुनवाई होगा। ऐसा तो है नहीं कि सुनवाई नहीं होगी, यहाँ पे जितने भी लोगों की फाइल है उसपे भी सुनवाई होगी। ये तो शुरू से ही सरकार विरोध करती है कि जो है हम ये करेंगे वो करेंगे, करती कुछ नहीं है। तो इलाहाबाद में जो भी डिसमिस भी होता है, जैसे ये केस डिसमिस हो गया, मानते हैं डिसमिस्ड हो गया, अगर ये डिसमिस हो गया तो इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, याद रखिएगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। नंबर बढ़ता है, मानना ना मानना इनके ऊपर। अगर हम मान गए, अपनी फाइल को हटा दिए, तब तो हम माने हैं। अगर हम अपनी फाइल को सुनवा रहे, इसके मतलब इसके आर्डर को हम फॉलो नहीं कर रहे हैं, इसके आर्डर को क्या कर रहे हैं, हम फॉलो नहीं कर रहे हैं। हाँ, स्टे की परिस्थितियों में जो यहाँ स्टे लगता है वही यहाँ पर भी लागू हो जाता है, क्योंकि वो कोर्ट का मैटर होता है। मानना ना मानना हमारे ऊपर, हम 3 क्वेश्चन को नहीं मानना, हमारा प्रेयर ज्यादा का है तो हम ज्यादा क्वेश्चनों को ले जाएंगे, तो हम ज्यादा पे लड़ाई करते हैं। अभी हमने कहा था कि जो है कल का वीडियो मेरा गया हुआ था, कल के वीडियो में मैंने पूरा ब्यौरा उसमें बता दिया है। आज दैनिक जागरण में भी दिया, उल्टा सीधा दे दिया है, उसमें ये दिया है कि उन्हीं लोगों की बातें सुनी जाएगी जो ऑब्जेक्शन फाइल किए हुए थे, ऑब्जेक्शन फाइल, उनका ही नंबर बढ़ाने या घटाने की बात होगी, बाकी किसी की बात नहीं होगी। याद रखिएगा, जो ऑब्जेक्शन फाइल किया गया था उन्हीं की बातों के आज दैनिक जागरण में, आज आपका 10 तारीख है, तो 10 तारीख में जो है कल दिया था कि आज ही दिया है, 10 तारीख का मतलब आज ही दिया है, आज 11 हो गया, तो 11 में दिया गया है। जिन लोगों ने ऑब्जेक्शन फाइल किया था उसी पे जो है कोर्ट विचार करने कह रही है कि इनकी बातों को सुना जाए, बाकी लोगों की बातों को सुनने के लिए कोर्ट तैयार नहीं है। ऐसा नहीं है, ये गलत न्यूज है, दैनिक जागरण वालों ने गलत न्यूज छापा है, उसमें ये बात उठी थी, हमने कल ही यूट्यूब पे डाल दिया है। इसमें ये बात उठी हुई थी कि जो है ऑब्जेक्शन जो है जितने लोगों ने किया है उन्हीं लोगों की बात सुने, सरकार भी कह रही थी हम उन पे विचार करेंगे, उनको देखेंगे कहां नंबर बढ़ रहा घट रहा, बाकी हम लोगों पे विचार नहीं करेंगे। तब ये आगे मैटर, तब लोगों ने विरोध किया था, इतनी रिट का रिट फाइल हुई है तो इनका क्या होगा, तो सारे लोग वकीलों ने विरोध किया इस पर, तब जज महोदय सहमति हो चुकी थी। पेपर वाले ने गलत छाप दिया है कि खारिज हो गया, ऐसा कुछ नहीं, खारिज नहीं हुआ था, सारे मैटर जो है उसमें टैग हो गए थे, और जज महोदय ने कहा है ठीक है मैटर रिलीज करेंगे। अब वो क्या देती है उसके ऊपर डिपेंड करता है।
ये मैटर जो ऑब्जेक्शन फाइल वाली थी ये जो है लखनऊ में शुरुआती दौर में उठ चुका था। जब हम लोग उत्तर कुंजी का मैटर मई में सुनवाई करा रहे थे तो वहां भी ये मैटर था कि ऑब्जेक्शन जितने लोगों ने किया है उन्हीं की बातों को सुनेंगे, तो वहां भी विरोध हुआ था और विरोध के कारण ही सभी लोगों की जितनी याचिकाएं थी उसमें सुनवाई होगी। तो दूसरी बात ये बता दें, जो भी रिट फाइल हुई है केवल याचियों को ही बात होगी, ये बात ध्यान दे। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम बैठे हुए हैं काम हो जाएगा, कहीं काम होने वाला नहीं है। जब बताइए, जो ऑब्जेक्शन फाइल किया हुआ है सरकार उसी को मानने को तैयार है, और जो घर बैठा उसको कहां मानेगी सरकार, कुछ नहीं मानने वाली है। उन्हीं के लोगों पे विचार होगा जो कोर्ट में अगर उपस्थित हैं, उन्हीं पे विचार होगा, जो कोर्ट में उपस्थित नहीं उन पे विचार क्यों होगा। दूसरी बात यह है कि आप ये बताओ कि जो है सरकार जो है अन्य लोगों पर विचार क्यों करेगी, हमारा वकील अन्य लोगों पर बात क्यों करेगा। हमारा वकील या किसी का वकील हो अपने लोगों की बात करता है कि माई लॉर्ड इतने कैंडिडेट हैं, ये कहाँ जाएंगे, कैसे इनकी नौकरी लगेगी, कैसे जॉब लगेगी, सबकी समस्याओं को सॉल्व करने के लिए नहीं बैठी है कोर्ट, ना हम प्रेयर करेंगे। तो ये ऑब्जेक्शन की फाइल हुई थी, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी और सारे याची जितने हैं उनकी बातों को सुनेगा कोर्ट, ऐसा नहीं है, इग्नोर नहीं करेगा। और लखनऊ वाले एकदम परेशान ना हो कि जो है इलाहाबाद में जो रिजेक्ट हो गया है तो लखनऊ में आना। दूसरी बात यह है कि जो इलाहाबाद में इस समय फाइल में सुनवाई जिसकी हो रही है वो कृपया करके लखनऊ में मत आए, डबल डबल फाइल में मत आए, इसलिए ना आए क्योंकि वहां की सुनवाई आर्डर वहां पे आने वाला है, आर्डर में आपकी फाइल का नाम हो जाएगा। हम यहाँ प्रेयर बना रहे हैं, दूसरा बना रहा है ग्राउंड, यहाँ दूसरा जाएगा। अब आप अपने लाभ के लिए यहाँ पे भाग करके आएंगे तो प्रॉब्लम सी आने लग जाएगी। इसलिए कोई भी साथी अभी उतावलेपन में ना हो, ना घबराए, अभी वही स्टैंड बने रहे। वहां भी लोग डबल बेंच में जाने की तैयारी लोग करेंगे, जिनको दिक्कत आएगी डबल बेंच जाएंगे, डबल बेंच आपकी बातों को सुनेगा। तो किसी को बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, बस समय का इंतजार करिए। लखनऊ में हमारे जो सुनवाई मार्च में लगी हुई है और उसके पहले जो हमारी नई फाइल है वो रीट हो जाएगी, इसलिए लेके जा रहे हैं। जो साथी जो छूटे हुए हैं उनके लिए फायदा मिल जाए, ईश्वर करे कि सबको नौकरी मिलेगी। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति घबराएंगे नहीं, नंबर अवश्य बढ़ेगा, अंत तक ये शुरू से कहते हैं नंबर बढ़ेगा तो बढ़ेगा, कोई व्यक्ति घबराएगा नहीं। तथा जो सटीक जानकारी लेना हो तो जरूर जो है यूट्यूब को मेरा देखा करें, वो सटीक जानकारी मिलेगी, कोई भी फर्जी न्यूज नहीं मिलेगा। एक दिन पहले घटना क्या होने वाली है, देखिए आज पेपर में निकाला, कल हमने ही यूट्यूब पे डाल दिया, आज वो बता रहा है कि ऐसे ऐसे, कल हमने पूरा ब्यौरा बता दिया था ऑब्जेक्शन फाइल के बारे में, याचियों के बारे में। तो आप कभी भी घबराएंगे नहीं, फर्जी न्यूजों पर ध्यान ना दें, जो बताया जाए वही सत्य है, सत्य के अलावा उसमें कोई हम इधर उधर की बात नहीं करते हैं। तो जो भी साथी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, धन्यवाद।